यहाँ पे हम कवर करने वाले दो टॉपिक को। सबसे पहले डीआरडीओ के लाइट टैंक को लेकर बात करेंगे, जिसका जो डेवलपमेंट है वो आर्मी की रिसेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए शुरू किया गया था। जो हिलियो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट देखी गई थी, क्योंकि ये जो LSC का बॉर्डर है वो हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों से एक्टिव हुआ है। तो जो डीआरडीओ का लाइट टैंक है वो डीआरडीओ L&T के साथ मिलकर बना रही है, जो कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर है, और जो उसका रोल आउट है वो दिसंबर तक होना था। लेकिन यहाँ पर जो इंजन की सप्लाई है जर्मनी के द्वारा, उसमें डिले देखने को मिला और जो रोल आउट है वो थोड़ा टाइम से पीछे गया। नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये रहेगी कि जो इसके डेवलपमेंटल ट्रायल है वो शुरू कर दिए गए हैं। ऑलरेडी जो टैंक है वो 100+ किलोमीटर चल चुका है और अभी ये जो ट्रायल है वो L&T के द्वारा ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो यहाँ पे उम्मीद ये रहेगी कि इस साल के Q2 में L&T इस टैंक को आर्मी को सौंप देगी। वहाँ पे जो आर्मी यूजर ट्रायल है वो शुरू करेगी इस टैंक की। अगर जोरावर लाइट टैंक की बात करेंगे तो जो इनिशियल ऑर्डर है वो 59 का रहेगा और तकरीबन 300 के नंबर में जो इस तरह के लाइट टैंक है वो आर्मी प्रोक्योर करने को देख रही है। तो कहने की जो सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, वो आर्मी का इस लाइट टैंक को लेकर पूरा है, स्पेशली L&T और DRDO को। यहाँ पर जो की पॉइंट रहेगा वो इस टैंक की मोबिलिटी रहेगी और मनूवर करने की क्षमता रहेगी। यही दो चीजें ऐसी हैं जो कि इसको एडवांटेज देगी लद्दाख जैसे रीजन में। और प्रॉब्ली आने वाले समय में जो इंजन होगा एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, वो इसका इंजन भारत में ही बनेगा। इंजन की बात करेंगे तो जो 1000 HP का इंजन है प्रॉब्ली वो यहाँ पर रहेगा। तकरीबन 3 जो क्रू मेंबर है वो इसको ऑपरेट करेंगे और जो स्पीड रहेगी वो 70 km/h तक की रहेगी। यहाँ पर जो ऑफ रोड स्पीड है वो 40 km/h तक की रहेगी। टैंक का जो मास है 25 टन तक का है और जो कोएक्सियल मशीन गन है 7.62 mm का वो यहाँ पर रहेगा। जो मेन गन है वो 105 mm का रहेगा। जो एम्फीबियस कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे दी जाएगी और जो ट्रांसपोर्ट की क्षमता है एयर, रेल और रोड से, वो सब यहाँ पे रहेंगे। तो जिस तरह की इसके इंजन की पावर रहेगी वो इसको प्रोवाइड करने वाली है एक सुपीरियर पावर टू वेट रेशियो, तभी जो मोबिलिटी का फैक्टर है वो आप अच्छा अचीव कर पाओगे। जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होंगे जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गए, उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर जो एलिमेंट है वो दिए जाएंगे। तो इस लाइट टैंक से काफी उम्मीदें हैं। होपफुली ट्रायल में ये जो सभी पैरामीटर हैं वो वैलिडेट किए जाएं और अचीव किए जाएं। यहीं पे हम बात कर लेंगे DRDO के ULPGM के बारे में, यानी कि UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। तो ये हेलिना का डेरिवेटिव था, जो कि एक ATGM है जिसको लॉन्च किया जा सकता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल से। तो इसके जो ऑर्डर हैं वो हाल ही में प्लेस किए गए थे आर्मी के द्वारा। यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि जो सप्लाई है वो शुरू कर दी गई है। मिसाइल के पास क्षमता है कि जो आर्मर्ड व्हीकल से बंकर्स है, टैंक्स है या फिर जो फास्ट मूविंग टारगेट है उन सभी को डिस्ट्रॉय करने की। इसका जो वेट है वो 8 kg के अराउंड है और जो रेंज है वो 4 km तक जा सकती है। यहाँ पे जो वॉरड है वो 2 kg के अराउंड का है। 3 तरह के जो वॉरड है वो ऑप्ट किए जा सकते हैं, एंटी पर्सनल PCV और जो एंटी आर्मर वॉरड है वो यहाँ पे ऑप्ट किए जा सकते हैं। इसका जो एक और वेरिएंट है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो मिसाइल के पास क्षमता है 2 डेटा लिंक की वो भी दी जा रही है, जो कि एस बैंड में रहेगी। सो जिन मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी है वो टाइम से पहले शुरू कर दी गई है अडानी डिफेंस के द्वारा। सो ये जो प्लेटफॉर्म है उसको एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है आर्मी के द्वारा, जहाँ पे आर्मी को ये एबिलिटी देगा कि वो किसी भी क्वाडकॉप्टर से इस तरह की जो मिसाइल है उसको लॉन्च कर सके। और छोटे UAV को डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता, तो वहाँ पे जो एडवांटेज है वो आर्मी को रहेगा। तो जो इनकी डिलीवरी है वो जल्दी कम्प्लीट की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।